हेलो दोस्तों, मैं मोनू कंबोज सिरसा हरियाणा से आज एक ये छोटी सी वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। एक मेरे पास 24 इंच का पैनल आया था जो कि BOE कंपनी का पैनल है, ये चाइना के सक में लगा हुआ था। इसमें ब्लैंक प्रॉब्लम थी कि ये पैनल बिल्कुल ब्लैंक था, नो डिस्प्ले में था। जब मैंने इसको चेक किया तो यहाँ पे जो इसके बूस्ट वोल्टेज हैं, जैसे कि VGH, VGL, AVDD वगैरह जो भी वोल्टेज हैं, वो कोई भी वोल्टेज जनरेट नहीं हो रहा था। सबसे पहले मैंने सेट को ऑफ किया और AVDD की प्रॉब पे मैंने मीटर लगा के AVDD के पॉइंट पे मीटर की प्रॉब लगा के रखी, और जैसे ही सेट को ऑन किया तो एक बार 5 से 7 वोल्ट बन के ये ड्रॉप हो रहे थे यहाँ पे वोल्टेज। मुझे इससे पता लगा कि जो मेरा DC to DC IC है ये ओके है, और जो मेरी शॉर्टिंग है कहीं पैनल में आगे कहीं ना कहीं कोई शॉर्टिंग है, जिसकी वजह से जो बूस्ट है वो एक बार जनरेट होने का कोशिश करती है और उसके बाद ड्रॉप हो जाती है। फिर मैंने इसमें कोल्ड टेस्टिंग की। टेस्टिंग के दौरान मैंने VGH, VGL, AVDD या 3.3 वोल्ट सारे पॉइंटों को ग्राउंड से शॉर्टिंग के लिए चेक किया तो बिल्कुल ओके थी। फिर मैंने इसका ये VOF है यहाँ पे, VF और VGHM, इन दोनों को जब मैंने चेक किया आपस में तो ये लगभग 100 ओम की शॉर्टिंग दिखा रहे थे। तो इसको मैंने पहले तो IC साइड यहाँ से ओपन कर दिया, यहाँ 1 ओम की रेजिस्टेंस, 0 ओम की रेजिस्टेंस थी, यहाँ पे भी 0 ओम की रेजिस्टेंस थी, मैंने ओपन कर दिया। तो IC की साइड जो था वो तो बिल्कुल सही था हमारा सर्किट, और हमारी जो शॉर्टिंग थी यहाँ पे मैंने पैनल पे फिर चेक किया। ये पैनल का ये फर्स्ट कॉफ है इस साइड, यहाँ पे देखिए आप साइड कॉफ है, यहाँ पे ये साइड कॉफ है। तो इस साइड जब मैंने चेक किया तो यहाँ पे शॉर्टिंग आ रही थी। तो सबसे पहले तो मैंने IC साइड तो इस सर्किट को ओपन ही कर दिया था, VOF को और VGH को। उसके बाद मैंने ये एक 19 वोल्ट का जो अडोप्टर आता है हमारे सोनी में, ये अडोप्टर लिया और इसका जो पॉजिटिव सिरा था उसको मैंने VGH और जो इसका माइनस है नेगेटिव है वो VGL पे लगाया। लगाने के बाद मैंने यहाँ से एक बार सप्लाई दे के पावर ऑफ पावर ऑन किया, एक बार किया, दो बार किया, और जैसे ही मैंने दूसरी बार यहाँ पे इसको पावर दिया हमारे अडोप्टर को, तो यहाँ पे देखिए इस कॉफ में, ये सेकेंड साइड में कॉफ है यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे हल्का सा स्पार्क हुआ। यहाँ पे स्पार्क होने के बाद मुझे पता चल गया कि हमारी शॉर्टिंग यहाँ पे है, तो मैंने इसको अच्छे से ब्लेड से यहाँ से जो ट्रैक थे उनको साफ कर दिया है यहाँ से। और उसके बाद मैंने यहाँ पे शॉर्टिंग जब चेक की तो हमारी जो शॉर्टिंग थी PCB पे ओपन हो गई थी, शॉर्टिंग यहाँ पे निकल गई थी। और यहाँ पे मैंने जो 0 ओम के रेजिस्टेंस जो निकाले थे वो उनको शॉर्ट करके यहाँ पे जब मैंने इसको चलाया है, उसके बाद जो मेरा पैनल है वो ओके हो गया है। मुझे इसमें जंपर करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जो हमारा यहाँ पे शॉर्टिंग था वो इसके आउटसाइड था, आउटसाइड होने की वजह से हमारी जो पिक्चर है वो क्लियर बन गई। अगर इधर इस साइड में अगर शॉर्टिंग होती या इस कॉप में इधर से शॉर्टिंग होती तो हमें हो सकता था जंपर करने की जरूरत पड़ती। लेकिन यहाँ पे मैं अब सेट आपको ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखिए इसमें मैंने दूसरा बोर्ड लगाया है जिसकी वजह से यहाँ पे मैपिंग आ रही है, और ये देख सकते हैं आप इसमें हमारा जो पैनल है वो अब ओके है, बिल्कुल इसमें कोई लाइन नहीं है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से हमने ये रिपेयर किया है। हमेशा कभी भी VGH VGL में अगर आपस में शॉर्टिंग है, अगर शॉर्टिंग निकाल रहे हैं तो हमेशा DC to DC IC की साइड जो हमारा ट्रैक है उनको ओपन कर देना चाहिए। अगर हम इनको ओपन नहीं करते हैं तो हो सकता है कि हमारा DC to DC IC भी खराब हो जाता है, जिससे कि हमें आगे सर्किट में और प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरीके से ये पैनल मैंने रिपेयर किया है। उम्मीद करता हूँ कि इससे आप लोगों को कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।